इन कंपाउंड्स ऑफ टाइप ECL3 जहां पे ई बी पी ए एस एंड बी आई है टैंगल्स जो आपके CL ECL के बताने हैं। अब देखिए गाइस, आपको मैं पहले बता दूं BCL3 PCL3 ASCL3 BICL3 राइट, इसका अलग अलग बना देते हैं। आपको बस याद रखना चाहिए कि बोरोन का पता रहता है आपको फॉस्फोरस नाइट्रोजन ग्रुप में। सिमिलरली ए एस एंड बी स्मथ का आपको बता दूं, देखिए नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक SB एंड बिस्मथ BI ये सेम ग्रुप में होते हैं। सो N, अब देखिए बोरोन का क्या है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 CL 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 राइट गाइस। सो लोन पेयर स्टिग्मा कितना हो गया, 3, यानी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगी। 0 लोन पेयर ट्राइगोनल प्लेनर है, ट्राइगोनल प्लेनर है, इसका मतलब BCL CL CL यानी क्या है, 120 डिग्री का एंगल है राइट गाइस। सो 120 डिग्री का एंगल। अगेन PCL3 में देखता हूं नाइट्रोजन के ग्रुप में 1 2 3 4 एंड 5 तीन CL आपके जुड़ गए, तो सिग्मा प्लस LP 1 2 3 4, तो यानी sp3 हाइब्रिडाइज्ड विद वन लोन पेयर। sp3 हाइब्रिडाइज्ड विद वन लोन पेयर होता है आपका पिरामिडल राइट गाइस। पिरामिडल यानी P इस तरह की कुछ शेप हो जाएगी आपकी CL, और ये टेट्राहेड्रल में नॉर्मली वन जो एंगल होगा 109 डिग्री सेंटीग्रेड से अप्रोक्स, इसमें उससे कम होता है राइट। फिलहाल अभी आप इसको होल्ड पे रखें, मुझे पता है इससे कम होगा। ASCL3 भी सिमिलरली यहां पे है, सेम sp3 पर पिरामिडल स्ट्रक्चर आएगा और ASCL CL CL इस तरह आएगा। अगेन जो BICL3 है वो भी सेम ही ग्रुप में है राइट गाइस, पी ए एस है। अब उसमें क्या होगा, वो भी BI ऐसे ही कैलकुलेट हो जाएगा। सो अगर आप देखें तीनों की पिरामिडल, ये तो क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया 120 डिग्री, तो बोरोन तो सबसे आगे आ ही जाएगा, यानी ये गलत है, ये गलत है। अब इसको ए और बी में आपको आंसर बताना। अब देखिए, जैसे आपको एक बात बताऊं कि जो डाउन द ग्रुप आते हैं जैसे जैसे आप, उसमें क्या होगा, बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस राइट गाइस। पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था हमने, जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे आते हैं तो उसमें जो बॉन्ड एंगल है वो घटता जाता है। इसका मतलब इसमें अगर आप देखें कि NH3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा PH3 से, उसके बाद ASH3 या ASCL3 जो भी मान ले, SBS3 एंड BIS3 राइट। सो इसमें क्या होगा, जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा B राइट। क्यों, देखिए BCL3 तो 120 डिग्री है, देन फॉस्फोरस, फिर उसके बाद आर्सेनिक आता है, उसके बाद बिस्मथ, तो आपका ये आ गया बी आंसर राइट। सो आपको ये याद रखना है बस कि बॉन्ड एंगल जैसे आप नीचे नीचे आते हैं ग्रुप में वो डिक्रीज होता है राइट।